नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्तिक टेक लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का मैं बताने वाला हूँ अपोलो वन की कहानी बताने वाला हूँ, जो कि जबरदस्त काला इतिहास है। जब जिंदा जल गए थे जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना अपोलो के वन के, जो कि आप बैकग्राउंड में पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, उसकी कहानी मैं आज बताना, बिल्कुल डरावना कहानी है, बिल्कुल अमेरिका के लिए समझे। तो बताना चाहता हूँ कि अपोलो एक रिस्टर जो अमेरिका का जो सोवियत संघ के बीच में एक अंतरिक्ष पर जो पहले से जाने से होड़ लगी हुई थी दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में इसके लिए क्या है कि आपको एक मिशन लॉन्च करने वाला था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि प्रैक्टिस के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक मौत बन के उनके साये पे आ गई, समझ रहे हैं, मौत हो चुकी थी। तो उसी पे मैं एक सोचा कि चलो एक वीडियो बताता हूँ। कमांडर जो पायलट जो ग्रस ग्रीशम, ठीक है, सीनियर पायलट एड वाइट और पायलट रॉजर भी, ठीक है, काफी उनकी तस्वीरें जो है इस वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। तो अंतरिक्ष के मामले में बता रहा हूँ कि 1960 में, बता रहा हूँ दशक में, आज काफी याद किया जाता है उनको, ठीक है। यह उस समय हुआ था जब अमेरिका में जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ जो सोवियत यूनियन बोला जाता है उसको, एक दूसरे से आगे निकलने में होड़ में लगे हुए थे, ठीक है। अमेरिका ने क्या कि अपने जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतारने के लिए अपोलो, ठीक है, अपोलो प्रोग्राम को शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। अपोलो वन कहा जाता है कि जो AS-204, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे 21 फरवरी 1967 को अपोलो कमांड के और सर्विस मॉड्यूल्स का एक टेस्ट करना था, ठीक है, जो कि पृथ्वी के निचले कक्ष में किया जाता है, जो कि आप वीडियो में भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, पीछे। लेकिन मिशन काफी पूरा नहीं हो सका दोस्तों, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल रोमांचक है, बिल्कुल स्केप मत कीजिएगा। और यह हादसा करीब एक महीने पहले 27 जनवरी को हुआ था, समझ रहे हैं। तो उस दिन क्या है कि अमेरिका ने फ्लोरिडा में एक स्थित कैंप में कैनेडी एयरफोर्स, ठीक है, कैनेडी एयरफोर्स स्टेशन में केबिन में आग लग गई थी, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि 3 क्रू मेंबर जो है जिंदा जलकर उनकी मौत हो चुकी थी, समझ रहे हैं। कमांडेंट पायलट जिनका नाम था ग्रस ग्रीशम, ठीक है, और सीनियर पायलट का जिनका नाम था एड वाइट था नाम था, और पायलट थे रॉजर भी, ठीक है। काफी मतलब काफी सभी लोग जल चुके थे, एकदम पूरी जान उन लोगों की चली गई थी। और अपोलो वन जो एस्ट्रोनॉट का जो नेम जो था, उनका आखिरी शब्द थे जो वो जल रहे थे, ठीक है। वो तीनों अंतरिक्ष यात्री जो थे ना, एक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि लॉन्च के बाद क्या है कि अंतरिक्ष का जो मिशन है ना दोस्तों, अंजाम दिया जा सके, समझ रहे हैं। तो सभी दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, अंतरिक्ष यान में क्या है कि आए, लेकिन 5:30 बजे के बाद क्या रूटीन का जो टेस्ट एक कला होता ना, वो इतिहास बनकर रह गया दोस्तों, समझ रहे। तो बहुत ही रोमांचिक था। तो मैं सोचा कि चलो ऑक्सीजन सप्लो से ज्यादा हो गया था उनके अंदर, समझ रहे हैं। शाम को करीबन 6:30 बजे की बात बता रहा हूँ, 6:30 बजे मिशन कंट्रोल जो है ना, इंजीनियरों को ने केबिन के भीतर अधिक ऑक्सीजन फ्लो का प्रेशर बनाते देखा गया, ठीक है। तो जिसके बाद क्या है, वहां से आग लग गई थी, समझ रहे। और कुछ ही देर बाद क्या कि अंतरिक्ष यान के भीतर में लगी आग के बाहर तक आ गई थी, और उसमें जो चारों ओर से पूरा चारों तरफ से घेर लिया था दोस्तों, अपोलो वन जो एक्सप्लोरेशन जो है ना, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो है ना अंदर ही फंस गए थे। जिसके कारण ऐसा माना जाता है ना दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्रियों को चीखने हुए कहा था कि हमारे पास भयानक आग लग गई है, ठीक है, बाहर निकलना और हम जल रहे हैं। अगर आग को क्या है कि कुछ समय के बाद ना बुझ ही गई थी, लेकिन उसका परिणाम क्या है कि उसका इतना भयंकर था ना दोस्तों कि अमेरिका में उसकी कहानी जो है ना सुनने वाले को आज भी कांप उठते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। तो दरवाजा नहीं खुलने का वजह था कि नहीं खुल सके थे, जिसमें क्या है कि दरवाजा नहीं खुलने से इंजीनियर होते ना, इंजीनियर को अंतरिक्ष यान का तो दरवाजा खोलने को चाहते थे, लेकिन नहीं खोल सके एकदम, समझ रहे। बहुत ही इतना कठिनाई का सामना करना पड़ा था कि मिशन कंट्रोल लाइव का जो वीडियो में सब देखते ही रह गए, लेकिन एहसास क्या होता ना, एहसास होने लगा था होकर क्या था ना, इमरजेंसी जो क्रू जो थे ना, उनके अंतरिक्ष यान के दरवाजे को ना खोलते ही 5 मिनट का वक्त लग गया दोस्तों, समझ रहे हैं। कि लेकिन अंदर का हद से ज्यादा ही गर्मी और धुआं से अपोलो वन का जो रजिस्टर जो डेट होता है ना, 3 अंतरिक्ष यात्री को उसमें मौत हो चुकी थी, समझ रहे हैं। अब घटना के बाद मैं बता रहा हूँ कि उसकी जांच आदेश दे दी गई थी, और समीक्षा में बोर्ड में पता चला कि वो यूरिन कलेक्शन जो सिस्टम की जो पाइप होती ना, पाइप के ऊपर की जो निकलते जो तार होती ना, तार की वजह से हादसा हुआ था। पाइपिंग के ऊपर जो होता है ना, निकले तार जो होते हैं वजह, उसी के हादसा होने का कारण था। और आग के नीचे से लगने की शुरू हो गई थी, और बचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ना कोई वक्त नहीं मिला था दोस्तों, समझ सकते हैं। तो जहरीली हवा जो होती ना, जहरील हवा से वजह से उन लोगों की मौत भी हो गई थी, समझ रहे हैं। तो केबिन में ऑक्सीजन की वजह से सारा जो सामान जो होता ना तहस नहस हो गया, जो कि वीडियो में आप देख रहे होंगे पीछे में, तहस नहस हो गया था।
तार के जो पांच जो बाजू का जो ज्वलनशील जो होता है ना, ज्वलनशील सामग्री के तुरंत वहां से आग लग गई थी, और अंतरिक्ष यात्री के है ना धुएं से भरने से महज उन्हें 10 सेकेंड तक वक्त लगा, समझ रहे हैं। तो अपोलो वन का जो बता रहा हूँ, जो केस इन द डेथ, ठीक है, अपोलो वन केस इन द डेथ जांच में पता चला था कि सभी अंतरिक्ष यात्री जो है ना ऑक्सीजन में नहीं, नली में जो अलग से हो गई थी, समझे, ऑक्सीजन की जो नली होती है ना बिल्कुल एकदम अलग थदर बतर हो गई थी, जिसके चलते वो क्या है कि वो फैली जहरीली जो हवा है ना उनके शरीर में प्रवेश कर लिया था, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से उनको 1 मिनट भी कम वक्त में सब सब सबकी एकदम मौत हो चुकी थी, समझ रहे हैं। आधिकारिक तौर पे उनकी जो मौत जो हुई ना कारण का धुएं और सांस लेने के हुई, ठीक है, रुकावट में बताया गया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो एक बना देता हूँ आप लोगों को, शायद वो बहुत ही डरावना एक बेसिक कहा जाता है ना कि एक जबरदस्त एक जिंदा जला अंतरिक्ष यात्री में जो अपोलो 1 में जो उनकी कहानी थी ना, और आज भी वो डरता है अमेरिका इस बात को, काला इतिहास जो था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।